नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैस्पर सॉफ्ट स्किल पे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अपनी एक इनर क्वालिटी के साइड इफेक्ट्स की। क्या है ये क्वालिटी? सेल्फ रिस्पेक्ट हम सब में होती है, पर पता है इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ है हमारी खुद की नजरों में हमारी इज्जत, पर हम लोगों ने इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। कैसे, मैं बताती हूँ। होता क्या है कि लाइफ हमारे ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस फेंकती है, हर जगह से हमारे पास अलग अलग तरह की चुनौतियां आती हैं, और हम लोग इतने तो इंटेलिजेंट होते ही हैं कि हम पता लगा सकें कि कौन सी चुनौती हमारे फायदे के लिए है और कौन सी चुनौती हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है, हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। पर फिर भी हम लोग बिना सोचे समझे हर चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों हम लोग क्यों करते हैं ऐसा? इसीलिए क्योंकि तब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ जाती है। हमें ये लगता है कि अगर हम चुनौती से पीछे हट गए तो लोग हम पे हंसेंगे। हम क्या है ना कि उस समय उस्ताद नंबर 3 का गाना भूल जाते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, लोग तुम पे हंसेंगे, तुम्हें पीठ पीछे गालियां भी देंगे। पर हम लोग उस समय ये चीज भूल जाते हैं और हर चुनौती को, चाहे वो हमें डिस्ट्रॉय ही क्यों ना कर रही हो, एक्सेप्ट कर लेते हैं। पता है श्री कृष्ण को रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है मैं बताती हूँ। जरासंघ और कालयवन ने जब श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था तो श्री कृष्ण उस समय रणभूमि छोड़कर भाग गए थे। क्यों भागे थे? क्योंकि उस समय श्री कृष्ण ने अपनी परिस्थिति को अच्छे से परख लिया था और उस समय श्री कृष्ण को पता था कि अभी कालयवन को हराना संभव नहीं है, मैं कालयवन को नहीं हरा सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कालयवन को ऐसी परिस्थिति में ले गए जहाँ पे कालयवन का विनाश होना निश्चित था, जहाँ पे कालयवन हार सकता था। तो दोस्तों अब एक बात बताइए, जब श्री कृष्ण अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूलकर दो कदम पीछे हट सकते हैं अपने फायदे के लिए, तो फिर हम क्या चीज है? श्री कृष्ण जब रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे ना, तो उन्हें भी कहा गया था कि ऐसे मत करो, तुम्हें रणछोड़ बोला जाएगा, लोग तुम पे हंसेंगे, तुम्हें अपमानित किया जाएगा। पर श्री कृष्ण ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने अपने फायदे की बात देखी और अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग सारा काम किया। तो जब श्री कृष्ण ऐसा कर सकते हैं तो हम तो जरूर कर ही सकते हैं। अपने फायदे के लिए अपनी रणनीति बनाकर हर परिस्थिति को परख कर अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसके सिंपल से दो मीनिंग निकल रहे हैं। पहला तो ये कि हमें उन्हीं चुनौतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए जिनसे हमारा फायदा हो रहा हो, ना कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और दूसरा ये कि अगर कभी ऐसी चुनौती आए जिसमें हम लोग ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं ले सकते, तो उस समय हमारा पीछे हट जाना, दो कदम पीछे ले लेना बेहतर होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी फिलॉसफी पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम।